हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग मानव प्रजनन को पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसमें हम लोग चार टॉपिक कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल, आतव चक्र की बात करी है। तो आतव चक्र के एंड में हुआ क्या, अंडोत्सर्ग हो गया, अंडा रिलीज हो गया, फीमेल गैमिट अंडा अंड रिलीज हो गया है। उसको अब हम लोग आगे निषेचन और अंतरोपण पे चलते हैं, ठीक है जी। अंडाणु का रिलीज हो गया है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब उसका भविष्य क्या होने जा रहा है। अगर निषेचन होता है तो कहाँ पे होगा, और निषेचन होने के बाद अंतरोपण इम्प्लांटेशन कैसे प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। चलिए, तो हम लोग का पांचवा टॉपिक निषेचन और अंतरोपण। स्त्री पुरुष के संभोग के दौरान शिश्न द्वारा, स्त्री पुरुष के संभोग के दौरान शिश्न द्वारा शुक्र स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है, यानी वीर्यसेचन इंसेमिनेशन किया जाता है। संभोग के दौरान पुरुष ने रिलीज किया है, छोड़ा है शिश्न द्वारा, पेनिस द्वारा, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया था, योनि में वीर्य में क्या योनि में छोड़ा क्या वीर शुक्र। तो वीर क्या था, सीमन, जिसको हम लोगों ने बोला था सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म्स, वीर सेचन हो गया। गतिशील शुक्राणु, अब आपने देखा था कि एक बार के इजाकुलेशन में स्खलन जब होता है तो 2 से 3 करोड़ स्पर्म होते हैं, और उनमें से भी 60% स्पर्म ऐसे हैं जो नॉर्मल शेप और साइज़ के होंगे, और इन 60% के 40% ऐसे होंगे जो विग्रस मोबिलिटी दिखाएंगे ड्यू टू टेल, टेल की वजह से। टेल को ये वाइब्रेशन के लिए, टेल की मूवमेंट के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है, मिडिल पीस में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया से। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। तो गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय में प्रवेश किया और अंततः अंडवाहिनी नलिका के तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंचते हैं। मीटिंग पॉइंट क्या है, तुम्बिका, एम्पुला, एम्पुला पर पहुंचना है। तो सब बातें सुनी सुनी लग रही हैं लेकिन ध्यान में नहीं आ रही। ध्यान में लाने के लिए चलिए थोड़ा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोग को ध्यान में आ जाए। तो ये है हमारा गर्भाशय। गर्भाशय की अंदरून 3 लेयर का बना है, पेरिमेट्रियम, बाहर मेम्ब्रेनस, मायोमेट्रियम, थिक मस्कुलर स्मूथ मसल्स, और ये अंदरूनी लेयर एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर है। जो ये आपके नीचे हो जाएगा वेजाइना, और ये इन्वर्टेड पियर शेप उल्टी नाशपाती के आकार का ये बॉडी ऑफ यूटेरस है। ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ये परिधि से अपने अंडाशय के ओवेरी के जो संपर्क में है वो इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम पे झालर है फेमरी, जो कैच करने में ओवा को रिसीव करने में हेल्प करता है, और ओवा को ढकेलेगा किधर, इधर। ये इसका चौड़ा हिस्सा एम्पुला, ये पतला हिस्सा इस्थमस, इस्थमस की सहायता से जुड़ा हुआ है बॉडी ऑफ यूटेरस से। ये चौड़ा हिस्सा है एम्पुला, बल्ज पार्ट एम्पुला, एम्पुला मीटिंग पॉइंट है। मीटिंग पॉइंट मतलब यहाँ पे मीटिंग फिक्स हुई है फीमेल गैमेट की और मेल गैमेट की। मेल गैमेट यहाँ रिलीज हुआ, वीर स्पर्म है, वो स्पर्म्स मोटिलिटी दिखाते शुरू में ऊपर चढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, अपने यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वॉल के साथ इसकी टेल की वजह से, टेल के वाइब्रेशन, और उन्होंने पहुंचना है, उन्होंने ओला क्रैप करके यहाँ पहुंचना है एम्पुला पे। तो एम्पुला पे मीटिंग पॉइंट फिक्स है, यहाँ से फीमेल गैमेट रिलीज हुआ है अंडाणु, अंडाणु भी यहाँ पहुँचेगा, और इधर से स्पर्म भी यहाँ पे पहुँचेगा, और इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है जी, यहाँ पे आना है। ओके, स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है यानी वीर्यसेचन होता है। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश कर गए, अतः
और अंततः अंडवाहिनी नलिका के तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंच गए, अंपुला तक पहुंच गए। इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंच गया, जहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती। तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंच जाए। तो मीटिंग पॉइंट पे मीटिंग, अगर आपने किसी से मीटिंग फिक्स करी कि शाम को 6 बजे मैं आपको दिल्ली के पालिका बाज़ार में मिलूँगा, तो आप भी तो शाम के 6 बजे दिल्ली के पालिका बाज़ार में पहुँचो। तो यहाँ पे फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, फीमेल युग्मक और मेल नर युग्मक का एट अ टाइम एक सही समय पर पहुँचना और उनका मिलन तभी संभव है जब दोनों एट अ टाइम एक सही समय पर पहुँचे, एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र पर पहुँचे। यही कारण है जिससे कि सभी संभोग क्रियाएँ, जितने भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं, संभोग क्रियाएँ होती हैं, मैथुन होता है, निषेचन व संगतता की स्थिति में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि या तो मेल गैमेट यहाँ पहुंच रहा है या फीमेल गैमेट पहुंच रहा है। कभी भी कहिए कि गर्भावस्था निषेचन तभी पॉसिबल है जब दोनों एक ही समय में यहाँ पे मीटिंग पॉइंट पे पहुंचे। यही कारण है कि सभी संभोग क्रियाएं निषेचन व संगर्भता की स्थिति में नहीं पहुंच पाती। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे, शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। शुक्राणु और ये हमारा अंडाणु, शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन, फ्यूज होना, मिलना, प्रक्रिया को निषेचन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के प्रादर्शी आवरण जोना पेलुसिडा, तो ये अंडाणु की आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग वर्टिब्रेट्स में विटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल है, उसमें भी बाहर कोशिका झिल्ली होगी। तो ये कोशिका झिल्ली के बाहर पेरीविटेलाइन स्पेस, परिपीतक अवकाश, पेरीविटेलाइन स्पेस, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम विटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये पेरीविटेलाइन स्पेस, उसके बाद है जोना पेलुसिडा, ये ए सेलुलर लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। जोना पेलुसिडा पारदर्शी आवरण, जोना पेलुसिडा, ठीक है जी। और जोना पेलुसिडा के बाहर ये है करोना रेडिएटा, ठीक। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी आवरण स्तर के संपर्क में आता। अब यहाँ पर अंडाणु, ये जो शुक्राणु आए हैं खूब सारे, उनमें से एक इससे जाके फ्यूज होगा जोना पेलुसिडा से और अंदर एंटर करेगा। जोना पेलुसिडा स्तर के संपर्क में आता है। निषेचन के दौरान देखिए, पहुँच तो यहाँ पर बहुत सारे गए, लाखों की तादाद में, लेकिन केवल एक है जो अंदर एंटर होगा। तो केवल अभिमन्यु गया था चक्रव्यूह में, बाकी बाहर रुक गए थे। केवल एक स्पर्म ऐसा है जो अंदर एंटर करेगा, और उसमें भी उसका केवल हेड रीजन अंदर जाता है, बाकी का मिडिल पीस, बॉडी और टेल पीछे रह जाती है। और हेड में आपका इलोंगेटेड हमारा हेप्लॉयड न्यूक्लियस है जो मेल का प्रोन्यूक्लियस कहलाता है। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी आवरण जोना पेलुसिडा स्तर के संपर्क में आता। देखिए, इन्होंने एक को दिखाया कि उससे फ्यूज हो रहा, बाकी के दूर दिखाए, आए तो कई सारे, लेकिन केवल एक को मिली सफलता। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी आवरण जोना पेलुसिडा, ट्रांसपेरेंट कवरिंग उसकी जोना पेलुसिडा, ये है जोना पेलुसिडा, ये है जोना पेलुसिडा जो ए सेलुलर है, सेल से नहीं बना, ग्लाइकोप्रोटीन से बना। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? कोई ऐसा रासायनिक जिसमें प्रोटीन हो और ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से बना ग्लाइकोप्रोटीन। और अतिरिक्त शुक्राणु के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। तो जब एक शुक्राणु इससे अटैच हुआ तो जोना पेलुसिडा में वो विन्यास से संबंधित कुछ चेंजेस करता है, जिससे जोना पेलुसिडा अब दूसरे शुक्राणु को अंदर नहीं जाने देगी, उनके लिए अपारगम्य हो जाएगी।
तो जब शुक्राणु, एक शुक्राणु जोना पेलुसिडा से अटैच हुआ, अंदर एंटर हुआ है, तो जोना पेलुसिडा में उसने कुछ चेंजेस, कॉन्फिग्रेशनल चेंजेस कर दिए हैं, जिसकी वजह से जोना पेलुसिडा अब और दूसरे शुक्राणुओं के लिए अपारगम हो गई, अंदर जाने से रोक देगी। इस कारण यह सुनिश्चित हो जाता कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता। इसलिए जब उसने अब इसको एक डैम, एक उसने बना दी बांध, एक उसने रोक बना दी, बैरियर बना दिया, तो दूसरे शुक्राणु और जा नहीं पाएंगे, जिससे इस बात को सुनिश्चित कर दिया गया कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित करेगा। अग्रपिंडक का श्रवण, अग्रपिंडक एग्रोसोम, आपने इसके पार्ट पढ़े थे। एग्रोसोम क्या थी? कैप लाइक स्ट्रक्चर था जो इसके हेड पे, स्पर्म के हेड पे कैप लाइक स्ट्रक्चर अग्रपिंडक एक्रोसोम था जो गॉल्जी बॉडी बनाता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। और इसमें क्या है? इसमें सर्टेन एंजाइम्स हैं जो इसकी ये परत को भेदने में, अंडाणु की परतों को भेदने में सहायता करते हैं कि शुक्राणु ये अंडाणु की परतों को भेद के अंदर एंटर हो जाए। अग्रपिंडक का श्रवण, शुक्राणु की पारदर्शी आवरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश में मदद करता है। अग्रपिंडक का श्रवण, अग्रपिंडक में जो चीज़ें हैं, जो फ्लूइड है, जो तरल है, जो एंजाइम्स हैं, उसका श्रवण शुक्राणु की सहायता कर रहा। किस बात में? तो शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। अंडाणु की पारदर्शी आवरण नहीं है, अंडाणु की के बाद कॉमा, अग्रपिंडक का श्रवण शुक्राणु की सहायता कर रहा। किस बारे में? कि वो अंडावरण, पारदर्शी अंडावरण को, पारदर्शी अंडावरण क्या? जोना पहलुसिडा के माध्यम से, के रास्ते से अंडाणु के कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म तथा प्लाज्मा भित्ति ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रवेश करने में सहायता कर रहा। तो उसको ये सब चीज़ें, कोरोना रेडिएटा को गला के पचा लो, उसमें से निकल जाओ, जोना पेलुसिडा से निकल जाओ और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल जाओ, अंदर एंटर हो जाओ, इस चीज़ में शुक्राणु की सहायता कौन कर रहा? अग्रपिंडक का श्रवण, अग्रपिंडक में जो एंजाइम्स है। यह द्वितीय अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है और जब ये एंटर हो जाता है, जब स्पर्म का हेड अंदर एंटर हो जाता है, केवल हेड अंदर एंटर होगा, बॉडी मिडिल पीस बाहर रह जाएगी। बार बार जो बात कह रहा हूँ वो समझ लीजिए। इसलिए जब इनके संयोजन से युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के संयोजन से जब जाइगोट बनता है, तो जाइगोट के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो केवल माइटोकॉन्ड्रिया किससे मिली है? फीमेल के एग से। मेल का स्पर्म जो है अपने माइटोकॉन्ड्रिया बाहर छोड़ जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनहेरिटेंस है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए कान लगा के, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आनुवंशिकी है, वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया हमें केवल हमारी मदर से मिले हैं, फादर उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि फादर का स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया बाहर ही रह जाते हैं। स्पर्म में जो भी कंटेंट है केवल हेड अंदर जाता है, बाकी का स्पर्म का हिस्सा, नेक, बॉडी, टेल, नेक, मिडिल पीस, टेल बाहर रह जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में है? मिडिल पीस में है। केवल हेड अंदर गया, हेड क्या लेके गया? अनुवांश की मटेरियल, 23 क्रोमोसोम लेके गया। तो एक अंडाणु को एक शुक्राणु ने केवल निषेचित किया, इसका अंदर एंटर होना, स्पर्म के अंदर एंटर होने को कौन हेल्प कर रहा है? एक्रोसोम के एंजाइम्स, और एक्रोसोम के एंजाइम कोरोना रेडिएटा को गलाएंगे, पचाएंगे जोना पेलुसिडा को, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा झिल्ली को, अंदर एंटर होगा क्या? हेड। हेड जैसे ही अंदर एंटर हुआ, तो अब हमारा हेड का अंदर एंटर होना किस बात के लिए कारण बना? दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी, दूसरा द्वितीय, अभी ये सेकेंडरी वो साइड थी, ये द्वितीय अंडक के सूत्री विभाजन को प्रेरित करता, तो सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन टू को प्रेरित करेगा। मियोसिस डिवीजन वन हुआ था तो प्राइमरी ओओसाइट, सेकेंडरी ओओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी में विघटित हुई थी, बटी थी। अब सेकेंडरी ओओसाइट
सेकंड पोलर बॉडी द्वितीय ध्रुवी काया और द्वितीय ध्रुवी पिंड, द्वितीय ध्रुवी पिंड और बना देगा एग सेल अंडाणु, अगुणित अंडाणु, सेकेंडरी ओसाइट, अगुणित अंडाणु, अंडाणु द्वितीयक ओसाइट ने डिवाइड होके क्या बनाया, सेकेंड पोलर बॉडी द्वितीय ध्रुवीय पिंड और अंडाणु। दूसरा अलसूत्री विभाजन भी असमान होता है, स्पर्म का अंदर एंटर होना द्वितीय अंडक के अलसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है, जिससे कि दूसरा अलसूत्री विभाजन भी हो गया, असमान होता है, इसके फलस्वरूप द्वितीय ध्रुवीय पिंड सेकेंडरी पोलर बॉडी की रचना होती है तथा एक अगुणित हैप्लॉइड अंडाणु एग सेल अंडाणु परसु या ओओटिड बनता है। ठीक है, अगुणित अंडाणु डिम्बाणु परसु या ओओटिड बनता है। जल्दी ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन फ्यूजन होता है, तो शुक्राणु का जो लेके आया वो आनुवांशिकी पदार्थ क्रोमोसोम्स जीनोम अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ उसका फ्यूजन हो गया, जिससे कि द्विगुणित युग्मनज की रचना हुई। और डिप्लॉयड जब भैया एन लेके आया स्पर्म और एन था अंडाणु के पास, एक के पास दोनों का फ्यूजन हुआ तो टू एन स्टेज डिप्लॉयड स्टेज मेंटेन हो गई, जिससे कि द्विगुणित युग्मनज जाइगोट की रचना हो गई। एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होंगे, तो एक एन में है 23, दूसरे एन में है 23, जाइगोट में कितने 46, डिप्लॉयड अवस्था जाइगोट बन गई। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसी चरण में जब इनका फ्यूजन हुआ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, इसी चरण में निषेचन के समय शिशु के लिंग का निर्धारण यानी लड़का या लड़की होना निश्चित हो जाता। आइए देखें ये कैसे होता। निषेचन के दौरान ही इस बात का निर्धारण हो गया कि गर्भ जो ठहरेगा उस गर्भ से फीमेल चाइल्ड उत्पन्न होगा कि मेल चाइल्ड उत्पन्न होगा, कैसे इसको देख लेते हैं। आइए देखें कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप XX है, स्त्री में 44 ऑटोसोम्स है और दो सेक्स क्रोमोसोम है XX, टोटल 46 हो गए स्त्री में, तथा पुरुष में XY होता है, पुरुष में 44 ऑटोसोम्स है और दो सेक्स क्रोमोसोम है जिसको हम लोग एलोसोम बोलते हैं, X और Y। ये स्त्री के लिए और ये पुरुष के लिए जेनेटिक मेकअप या अनुवंश की विन्यास। तो दोनों में 46 ही क्रोमोसोम है कुल जमा, 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम है या उसको हम लोग काया क्रोमोसोम बोलते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं, क्योंकि उनके पास जो लक्षण है वो शारीरिक लक्षणों के लिए लक्षण है, जीन जो है सोमेटिक करेक्टर्स को निर्धारित करते हैं, कायिक गुणों को निर्धारित करते हैं। दो क्रोमोसोम ऐसे हैं हम लोग की बॉडी में हर सेल में जो हमारे सेक्स निर्धारण को उत्प्रेरित करते हैं, लिंग को निर्धारित करते हैं। तो वो क्रोमोसोम जिनका की हिस्सेदारी है लिंग को निर्धारित करने में, वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। महिलाओं के केस में दोनों ही एक्स है और मर्दों के केस में, नर के केस में ये एक एक्स और एक वाई होता। अब देखिए इसके पास 44 प्लस XX, इसको हम ये लिखें तो 44 तो ऑटोसोम है, बार बार क्यों लिखें, तो हम केवल XX लिख देते हैं। XX का लिखने का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में आपने उसका अनुवांश के विन्यास लिख दिया, 44 तो कॉमन है तो कॉमन चीज़ को हम बार बार क्यों लिखें। ठीक है जी, तो 44 को हम बार बार क्यों लिखें, तो हम उसकी जगह केवल XX लिख दें, जिससे बात मतलब एक तरह से इंडिकेशन है कि फीमेल की बात कर रहे हैं, और XY लिख दिया तो मेल की बात कर रहे हैं। ठीक, तो स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप XX है तथा पुरुष में XY है, इसीलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब जब ये 44, अब आपके पास समझो जो विकल्प है 44 प्लस XX आपके पास ऑप्शन है, विकल्प है, जब इसमें मियोसिस डिवीजन होगा और स्त्री में बनेंगे अंडाणु,
जब उसका गैमेट बनेगा, तो 44 में से 22 तो ऑटोसोम जाएंगे, आधे हो जाते हैं, और एक्स एक्स दोनों ही जगह एक्स है, तो आगे एक एक्स चला जाएगा कोई भी, जो उसके जितने भी गैमेट बन रहे हैं, जितने भी बन रहे हैं, जब भी बन रहे हैं, हमेशा उसका कॉन्फिग्रेशन विन्यास जो होगा 22 ऑटोसोम होंगे और एक एक्स होगा। इफ एंड बट हो ही नहीं सकता, यहाँ पे आपके पास विकल्प नहीं है। लेकिन जब मेल में बनते हैं, स्पर्म बनता है, तब 44 में से 22 तो ऑटोसोम आएंगे, ठीक बात है। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम क्योंकि दो तरह के हैं, यहाँ पे एक ही तरह का था, एक ही तरह की दो कॉपी थी, अब यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, या तो एक्स आ जाएगा या वाई आ जाएगा। जो गैमीट बन रहे हैं उसमें, गैमीट में दो तरह का विन्यास हो सकता है, 22 प्लस एक्स भी हो सकता है, 22 प्लस वाई भी हो सकता है। इसलिए फीमेल में जब भी गैमीट बनेगा वो हमेशा 22 प्लस एक्स बनेगा, लेकिन मेल में जब गैमीट बनेगा तो उसको 22 प्लस एक्स बन सकता है या 22 प्लस वाई बन सकता है। अब इन लोग को उसने रिलीज कर दिया कहाँ पे, योनि में। अब ये पहुँचे रेस लगा के, आपने 3D देखी होगी, 3D में दिखाया इसी तरह से एनिमेटेड में, भाई वो स्पर्म रिलीज हुआ, स्पर्म रेस लगाते हुए मीटिंग पॉइंट पे पहुँचना, चलो 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 दिल्ली, यहाँ पे रिलीज हुआ। अब ये स्पर्म भागे, भागते हुए यहाँ पहुँचे, उनमें से कोई भी एक भाग्यशाली अंदर एंटर होगा, तो अंदर एंटर होने वाला 22 प्लस एक्स भी हो सकता है, 22 प्लस वाई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन, इट इज़ अ चांस, ये चांस की बात है, लक की बात है। तो 22 प्लस एक्स वाला अगर एंटर हो गया, 22 प्लस वाला उससे अगर जुड़ गया, तो जो जाइगोट बन रहा है, युग्मनज बन रहा है, उसके पास 44 प्लस एक्स एक्स होगा, इसको इससे जोड़ दीजिए, तो ये जो गर्भ बन रहा है ये फीमेल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड के लिए, लड़की संतान के लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन अगर इस स्पर्म 22 प्लस वाई वाला रेस जीत गया, ये जाके फ्यूज हो गया, तो फीमेल के पास तो यही था, 22 प्लस वाई आ गया, जाइगोट जो बना युग्मनज, उसके पास 44 प्लस एक्स वाई, ये कॉन्फिग्रेशन, ये विन्यास, तो ये वाला गर्भ किस में विकसित हो जाएगा, लड़का संतान पैदा होगी, मुबारक हो लड़का हुआ है, चलो मुबारक हो, लड्डू बांटो, आगे बढ़ो, ये यहाँ पे बात समझाई गई है। ओके चलिए फिर से देखिए, जैसा कि आप जानते हैं स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप एक्स एक्स है तथा पुरुष में एक्स वाई होता है, इसीलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में एक्स लिंग क्रोमोसोम होता है, जबकि पुरुष युग्मकों में लिंग गुणसूत्र या तो एक्स या वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं, इसीलिए 50% शुक्राणु में एक्स लिंग क्रोमोसोम होते हैं, जबकि दूसरे 50% शुक्राणु में वाई लिंग क्रोमोसोम होते हैं, इसीलिए पुरुष तथा स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो एक्स एक्स, पुरुष व स्त्री युग्मकों के संलयन के बाद जो जाइगोट बना, या तो उसमें 44 प्लस एक्स एक्स या 44 प्लस एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होने की संभावना होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि एक्स या वाई लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में से कौन अंडाणु का निषेचन करता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि दोनों के बीच में रेस लगी है, 22 प्लस एक्स के बीच में भी, 22 प्लस वाई के बीच में भी, अगर ये सफलता पा गया तो लड़की हुई, ये सफलता पा गया तो लड़का हुआ। जिस युग्मनज में 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र है वह मादा शिशु लड़की के रूप में, जबकि एक्स वाई गुणसूत्र वाला युग्मनज नर शिशु लड़के के रूप में विकसित होगा। आप गुणसूत्र प्रतिमानों के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी अध्याय 5 में सीख सकेंगे, हम लोग भी सीखेंगे, समय आने दो, अभी 3 पे। इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से कहना सत्य है महाराज, एक शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है, ना कि माता द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि लिंग सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण में किसका रोल है, स्पर्म का, टाइप ऑफ स्पर्म का, शुक्राणु का, कि कौन सा स्पर्म जाके फ्यूज हो रहा है, 22 प्लस एक्स वाला या 22 प्लस वाई वाला, और ये स्पर्म के प्रकार के लिए कौन जिम्मेदार, मेल में दो तरह का बन रहा, फीमेल में तो एक ही है, तो कौन सा पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हो गया सेक्स निर्धारण में, मेल इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो गया सेक्स निर्धारण में, मेल का स्पर्म इस बात को निर्धारित करता है कि लड़का होगा कि लड़की, ना कि फीमेल का अंडाणु, उसका जो पार्ट है उस पार्ट में, तो उसने भले लड़का हो या लड़की, उसका कंट्रीब्यूशन वही है,
वेरिएशन कहाँ पे है? वेरिएशन मेल में है। तो अगर किसी आपके जानकारी में, सोसाइटी में, आपके आसपास, पास पड़ो, दूर दराज कहीं भी समाज में अगर कोई ऐसा ह्यूमन कपल है, मेल मतलब कपल, मैरिड कपल है, एक ऐसा कोई जोड़ा है जिनके लड़कियां ही हो रही हैं, तो समाज में आप देखते हैं कि इस चीज़ के लिए औरत को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि ये तो बच्चे ही पैदा करती, जबकि ऐसा नहीं है। साइंटिफिक रूप से इस बात को सत्यापित किया जा सकता है कि बेसिकली लिंग निर्धारण में अगर किसी का रोल है तो वो मेल के स्पर्म का है। ठीक है जी, आइए आगे चलें। समसूत्री विभाजन की शुरुआत तब होती है विदलन, क्लीवेज। क्लीवेज की शुरुआत, समसूत्री विभाजन की शुरुआत तब होती जाती है, तब हो जाती है जबकि युग्मनक जाइगोट अंडवाहिनी के संकीर्ण पद से गर्भाशय की ओर बढ़ता। अब गर्भाशय ये जो फ्यूजन हो गया वो यहाँ हो गया एम्पुला पे, अब वो धीरे धीरे इधर की तरफ मूव होना चालू होगा, किधर की तरफ, बॉडी ऑफ यूटेरस की तरफ, और इधर जाके एंटर हो जाएगा फोर्थ डे और अल्टीमेटली यहाँ पे प्लांट हो जाएगा। यहाँ पे बीज जैसे बोया जाता है वैसे ही वो यहाँ आके एंडोमेट्रियम की सतह पे धस जाएगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो जब ये यहाँ बना सिंगल सेल, अब इसमें डिवीजन चालू हो जाते हैं, विदलन समसूत्री विभाजन चालू हो जाएंगे और ये इधर मूव होना चालू हो जाएगा। तो समसूत्री विभाजन की शुरुआत तब हो जाती है जबकि युग्मनज जाइगोट अभी अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब के संकीर्ण पथ स्तंभ से गर्भाशय की ओर बढ़ता। तो तीन भाग थे इसके, इनफंडिबुलम, फूला भाग एम्पुला, और ये संकीर्ण भाग स्तंभ। एम्पुला वो हिस्सा है जहाँ पे निषेचन हुआ है, फ्यूज़न हुआ है। अब ये एम्पुला से इधर की तरफ मूव हुआ स्तंभ की तरफ और इसने एंटर होना है यूटेरस में, गर्भाशय की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपकी बुक में डायग्राम से उसने इस चीज़ को दिखाया है। ये है आपका रिलीज हुआ एग, उससे जाके एक ही अंदर एंटर हो पाया, बाद में जोना पहलू सीधा अब कैसी हो गई, उसमें चेंजेस हो गए, अंदर और नहीं जा पाएगा। सिंगल सेल है, सिंगल सेल में पहला डिवीज़न हुआ, दो सेल बन गई, दूसरा डिवीज़न हुआ चार, तो एक सेल, एक से दो, दो से चार, फिर चार से आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एट सेल। तो ये डिवाइड भी हो रहा, यहाँ पे निषेचन हो गया एम्पुला में, फूले भाग में, और इधर की तरफ मूव होना चालू हुआ, साथ के साथ डिवीजन चालू हो गया। फोर्थ डे ये यहाँ पे एंटर होता, उस समय ये या तो आठ सेल स्टेज पे है या 16 सेल स्टेज पे है, जिसको मॉरुला स्टेज बोलते हैं। चौथे दिन निषेचन के, चौथे दिन निषेचन के बाद चौथे दिन एंटर हो जाता है कहाँ पे, बॉडी ऑफ यूटेरस में, यूटेरस में। तब ये आठ सेल या 16 सेल स्टेज में होता है, जो सॉलिड स्टेज है, और इसको मॉरुला, मॉरुला क्योंकि दिखने में ये शहतूत जैसा, मलबरी जैसा है, इसलिए इसके लिए टर्म यूज होता है मॉरुला स्टेज। ठीक है जी, आगे चलिए। देखिए विघटन चालू हो गए, विदलन, तब ये दो चार आठ 16 संतान सेल, जिसको कि ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं या कोरखंड बोलते हैं, संतति सेल, डॉटर सेल्स, डॉटर हो रही है, तो संतति कोशिकाओं से बना होता है जिसे कोरखंड ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, कि रचना करता है। ठीक, कोरखंड ब्लास्टोमियर्स, 8 से 16 कोरक खंडे वाले भ्रूण को तूतक, तूतक तूतक तूतियाँ है जमा लो, तो 8 से 16 कोरक खंड वाले ब्लास्टोमियर वाले भ्रूण को, एम्ब्रायो को हम लोग क्या बोलते हैं, मोरूला। यह तूतक लगातार विभाजित होता रहता, तो 16 सेल स्टेज पे एंटर हुआ चौथे दिन गर्भाशय में, यह तूतक और विभाजित हो रहा 16, 32, 64, 128, 256 विभाजित हो रहा, और जैसे जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है यह कोरक पुट्टी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा मोरूला के बाद नेक्स्ट स्टेज आई, देखिए पहली स्टेज आई जाइगोट, जाइगोट के बाद इम्ब्रायो, उसकी ब्लास्टो, हमारी आई मोरूला स्टेज। मोरूला स्टेज 8 से 16 सेल स्टेज है, जाइगोट, जाइगोट के बाद 8 to 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 16 सेल स्टेज मोरूला स्टेज है। मोरूला के बाद विखंडन और हो रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आ जाएगी,
ब्लास्टोसिस स्टेज में ये गुहा होगी जिसे ब्लास्टो सील बोलते हैं। ये एक कैविटी बन गई, ब्लास्टो सील, ब्लास्टो सील, और ये ब्लास्टोसिस स्टेज। ब्लास्टोसिस स्टेज में जो बाहर वाली सेल्स हैं ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, और ये सेल्स इनर सेल मास है। ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर है और ये आपका इनर सेल मास, आंतरिक कोशिका द्रव या आंतरिक कोशिका संग्रह कह लीजिए, अंतर कोशिका समूह, इनर सेल मास, अंतर कोशिका समूह। आइए देखें, 8 से 16 कोरक खंडे वाले भ्रूण को तूतक कहते हैं। यह तूतक विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे गर्भाशय की ओर बढ़ता है ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अल्टीमेटली तूतक से ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आ जाएगी। एक कोरक पुट्टी में कोरक खंड, कोरक पुट्टी ब्लास्टोसिस्ट, कोरक खंड ब्लास्टोमियर, ये जो सेल्स बनी ब्लास्टोमियर बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं जिसे ट्रोफोब्लास्ट लेयर कहते हैं। पोष कोरक, ये बाहरी वाली लेयर पोष कोरक लेयर है। कोशिकाओं के भीतरी समूह जो पोष कोरक से जुड़े होते हैं उन्हें इनर सेल मास या अंतर कोशिका समूह कहते हैं। अब अंदर की तरफ जो सेल्स हैं वो एक तरफ एकत्रित हो जाएंगे, एक तरफ वो इकट्ठा हो एक द्रव या मास बना देंगे, तो इनके लिए टर्म यूज होता है इनर सेल मास, अंतर कोशिका समूह। अब पोष कोरक स्तर गर्भाशय अंतर स्तर से संलग्न हो जाता है, ठीक है जी। एंटर हुआ था 4th डे मोरूला स्टेज पे। अब ये धीरे धीरे उसमें और डिवीजन हुए, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आ गई। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ब्लास्टोसील गुहा होती है और अब ये जो इसके ब्लास्टोमियर्स हैं ये बाहर एक लेयर बना ली उन्होंने, ट्रोफोब्लास्ट, जिसको कि पोष कोरक बोल रहे हैं, और बाकी की सेल्स एक तरफ इकट्ठा हो गई और उससे पोष कोरक की अंदर की दीवार से अटैच हो गई हैं। इसको हम लोग अंतर कोशिका समूह बोल रहे हैं। अब पोष कोरक स्तर गर्भाशय अंतर स्तर से संलग्न हो जाता है। पोष कोरक ट्रोफोब्लास्ट, गर्भाशय अंतर स्तर से एंडोमेट्रियम से, पोष कोरक स्तर ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय अंतर स्तर से संलग्न, जो हमारा बेड बना हुआ था हमने जो तैयारी करके रखी थी उस पे आके ये धसेगा, उससे अटैच हो जाएगा, जुड़ेगा और धीरे धीरे उसमें धस जाएगा। पोष कोरक स्तर गर्भाशय अंतर स्तर से संलग्न हो जाता है और अंतर कोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग विभेदित होते हैं। अब ये इनर सेल मास बना देगा क्या, इम्ब्रायो या भ्रूण, ठीक है। ये जो अंदर का सेल्स थी ये बना देंगी इम्ब्रायो या भ्रूण, ठीक। देखिए ये धसते दिखाया, ये जी एच देखिए कोरक पुट्टी रोपण, अब उससे ये अटैच हुआ, संलग्न हुआ और उसमें धीरे धीरे धस जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपकी मोरूला स्टेज, मोरूला स्टेज के बाद ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये कोरक खंड किससे अटैच हो गया, अंतर स्तर से एंडोमेट्रियम से, उसके साथ ही ये अटैच हो गया, जुड़ गया। यह तूतक लगातार विभाजित होता है जैसे जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है। यह कोरक पुट्टी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक कोरक पुट्टी में ब्लास्टोसिस्ट में कोरक खंड बाहरी परत में, कोरक खंड ब्लास्टोमियर्स बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं जिसे ट्रोफोब्लास्ट लेयर कहते हैं। कोशिकाओं के अंदरूनी समूह को जो पोष कोरक से जुड़े हैं उसे हम अंतर कोशिका समूह इनर सेल मास कहते हैं। अब पोष कोरक स्तर गर्भाशय अंतर स्तर से संलग्न हो गया, जुड़ गया, अंतर कोशिका समूह इनर सेल मास भ्रूण के रूप में विभेदित हो जाता है, भ्रूण के रूप में अलग अलग विभेदित डेवलप हो गया। संलग्न होने के बाद गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती, जब ये आके इससे अटैच हो गया तो ये गर्भाशय की ये जो कोशिकाएं हैं ये बहुत तेजी से, जैसे ही बॉल आके इस बेड पे गिरी, अब ये इससे अटैच हुआ, ये कोशिकाएं अगल बगल की बड़ी तेजी से डिवाइड होती हैं, विभक्त होती हैं और कोरक पुट्टी को आवृत कर लेती हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेंगी, आवृत कर लेंगी। इसके पश्चात कोरक पुट्टी गर्भाशय अंतर स्तर में
अंतः स्थापित हो जाता। अब क्या हुआ, कोरक पुट्टी ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में धंस गया, एम्बेडेड हो गया। इसे ही अंतरोपण इम्प्लांटेशन कहते हैं। बाद में यह संगर्भता का रूप, प्रेगनेंसी का रूप ले लेती है। ठीक है जी, आइए अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाए, जो कि हर बार निषेचन तथा आरोपण अंतरोपण। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु के संपर्क में आता अंडाणु डिम की जोना पहलू सीधा परत और झिल्ली में परिवर्तन को प्रेरित करता है, जो कि प्रवेश को अवरुद्ध करती है और दूसरे स्पर्म्स के प्रवेश को अवरुद्ध करती है। का स्राव शुक्राणु को डिम के कोशिकाधर में प्रवेश करने में सहायता करता है। किसका स्राव? हमारा एक्रोसोम का, अग्रपिंडक का स्राव शुक्राणु को डिम के कोशिकाधर में हेल्प करता है। निषेचन होता है कहाँ होता है? एम्पुला पे, गर्भाशय ग्रीवा पे, सर्वाइकल कैनाल पे नहीं, इस्थमस पे नहीं, एम्पुला इस्थमस जंक्शन या एम्पुला पे होता है। हर बार मैथुन करने से निषेचन नहीं होता, हर बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु एक साथ नहीं पहुंच पाते। कहाँ? एम्पुला पे। एक साथ मीटिंग पॉइंट पे एम्पुला पे पहुंचना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई भी अगर एक नहीं पहुंचा तो मीटिंग नहीं होगी, मेल मिलाप नहीं होगा। मानव मादाओं में अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन तब तक पूरा नहीं होता, जब तक कि निषेचन ना हो, अंदर एंटर ना हो जाए स्पर्म। भ्रूण का लिंग क्या होगा, यह फैसला कब लिया जाता? निषेचन के समय, नर युग्मक द्वारा निषेचन के समय, तभी यह डिसाइड हुआ है कि 44 प्लस एक्स या 44 प्लस वाई, ओ सॉरी 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, कौन सा स्पर्म इसमें सहायता पाया लक्ष्य को भेदने में। अगर ये वाला जाके फ्यूज हो गया अंडाणु से, लड़की हुई है। अगर ये वाला फ्यूज हो गया, लड़का हुआ। विदलन त्रिसमसूत्री विभाजन है, जो किसमें होता है? जो होता है युग्मनज में। क्लीवेज किसमें होगा? जाइगोट में होता है। ठीक है जी, चलिए आगे। विदलन 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128 कोशिकाओं का निर्माण करता है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियस कहते हैं। 8 से 16 कोशिका के स्तर पर भ्रूण को क्या कहा जाता है? मोरूला कहा जाता है। सॉलिड होता है, मलबरी के आकार का, शहतूत के आकार का होता है। ब्लास्टोसिस का ट्रोपोब्लास्ट किससे जुड़ता है? ब्लास्टोसिस का ट्रोपोब्लास्ट अंतर स्तर से, एंडोमेट्रियम से जुड़ता है, अंतर स्तर से। कोशिका या एम्ब्रियोब्लास्ट का अंतर कोशिका समूह किसको जन्म देता है? कोशिका या एम्ब्रायोब्लास्ट का इनर सेल मास इज द प्रीकर्सर ऑफ एम्ब्रायो। किसको जन्म दे रहा? भ्रूण को। ठीक है, सारी बातें आपकी एनसीईआरटी की हैं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। स्तनधारी में कॉर्पस लुटियम का मुख्य कार्य किसका उत्पादन करना? प्रोजेस्टेरोन का। तो प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करना इसका मुख्य कार्य। आरोपण के बाद उंगलियों के समान प्रक्षेपण दिखाई देते हैं ट्रोपोब्लास्ट पर, उसको क्या कहा जाता है? और यह मात्र रक्त से गिरे होते हैं, ए और बी का क्या अर्थ है? तो उसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, जो उंगलीनुमा उभार होते हैं। कोरियोनिक विलाई और गर्भाशय उत्तर एक दूसरे के साथ अंतर स्थापित होकर संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं? संयुक्त रूप से प्लासेंटा या आपरा बनाते हैं। कोरियोनिक विलाई जो उंगलीनुमा उभार आए और गर्भाशय का उत्तर, दोनों एक दूसरे के साथ आपस में अंतर स्थापित होकर संयुक्त रूप से क्या बना रहे? प्लासेंटा या अपरा। मनुष्यों में निषेचन केवल व्यवहारिक रूप से तभी संभव है जब डिम्ब तथा शुक्राणु एक साथ फैलोपियन ट्यूब के एम्प्लाइस्मक जंक्शन पर पहुंच जाए, तभी संभव है। आगे की लाइनें मत पढ़िए, समय बचा लीजिए। कहाँ पे मीटिंग पॉइंट है? एम्प्लाइस्मक जंक्शन पे, एम्पुला पे। चलिए आगे चलें। इसके बाद हमारा गर्भाशय धारण से लेके स्तनपान तक अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, तो पहले चल के पढ़ लें फिर इधर आए। ये हो गया हमारा इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन। अब हमारा अगला है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, संगर्भता और भ्रूणी परिवर्धन। तो ये आपकी जो टॉपिक था निषेचन और अंतररोपण, वो यहाँ पे संपन्न हुआ, कथा समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगली कथा पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ते हैं संगर्भता तथा भ्रूणी परिवर्तन। एक ब्रेक के बाद इतों को आप स्टडी करिए, मेरे लेक्चर को आप लाइक करिए, मेरे को फॉलो करिए और मेरे साथ बने रहिए अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए। मिलता हूँ आपसे ब्रेक के बाद।
अगले टॉपिक पे, संदर्भता और भ्रूणी परिवर्धन पे। तो हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड लक, गुड बाय। इसको लगा लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आपके लिए रिकमेंडेशन मैं करता हूँ, पियर्सन एक बुक है, उसके क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन बैंक, MTG की फिंगर टिप के लगा सकते हैं। आपको जो अवॉइड करना है, आपको ऐसी बुक्स अवॉइड करनी है जिसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। NCERT बेस्ड क्वेश्चन कुछ एक ऐसे पब्लिकेशन है, नाम नहीं लूँगा, किसी को प्रमोट करना चलो चलता है, डिमोट नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको कैसे डिसाइड करना कि आपने कौन सा चुनना है। तो इन लोग को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि इनकी जो आपकी कहिए कि लैंग्वेज है या इनका जो मटेरियल है वो NCERT बेस्ड है। पियर्सन का तो बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड करूँगा पियर्सन के लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा। बहुत मेहनत करी है इस पब्लिकेशन ने, बहुत अच्छा मटेरियल है। MTG में भी काफ़ी अच्छा मटेरियल है, लेकिन MTG में फिर भी कुछ क्वेश्चन NCERT के बाहर की लैंग्वेज के हैं। पियर्सन बिल्कुल जो लेटेस्ट एडिशन है 100% NCERT बेस्ड है। तो आप क्वेश्चन बैंक एक जरूर ले लीजिए, और जो दूसरे हिट हैं जिनसे आप लोग बड़ा इंस्पायर्ड रहते हो, पताल से और गैलन से, तो गैलन में पानी मत भरो, उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा है। पहले आप हाईलाइट कर लो NCERT को, ठीक है जी। तो अवॉइड गैलन एंड अवॉइड पताल। चलिए चालू करते हैं संगर्भता और भ्रूणी परिवर्धन। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलता हूँ मैं, तब तक आप इतने को लगाओ। और ये वाला अब आपका जो बचा, संगर्भता और भ्रूणी परिवर्धन, और उसके बाद हम लोग का प्रसव और दुग्धस्राव चैप्टर आपका उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे ब्रेक के बाद, इतना पढ़ो, थैंक यू।